हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 3 क्लास 8 कंप्यूटर विच इज़ फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म, व्हाट इज़ फॉर्म एंड हाउ टू सेव अ फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सेस फॉर्म्स आर मच लाइक पेपर फॉर्म्स. यू कैन यूज़ देम टू इंटर, एडिट और डिस्प्ले डेटा. एक्सेस फॉर्म जो है एक पेपर फॉर्म की तरह. फॉर्म तो आप सब ने फिलअप किया होगा, स्कूल का फॉर्म हो या फिर स्कॉलरशिप की फॉर्म हो या कहीं की भी फॉर्म हो, आपने फॉर्म तो ज़रूर ही देखा होगा. तो एकदम पेपर फॉर्म की तरह ही हमारे एक्सेस में भी एक फॉर्म का ऑप्शन मिलता है जिसमें हम फॉर्म को में डेटा एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसमें डेटा को डिस्प्ले भी कर सकते हैं. दे आर बेस्ड ऑन टेबल्स. ये टेबल्स पे बेस्ड होते हैं. व्हेन यूजिंग अ फॉर्म यू कैन चूज द फॉर्मेट, द अरेंजमेंट एंड विच फील्ड्स यू वांट टू डिस्प्ले. किसी भी फॉर्म को अरेंज करने के लिए, बनाने के लिए आपको उसके फॉर्मेट, उसकी अरेंजमेंट, कौन कौन से फील्ड्स आप फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी, सेलेक्ट करना पड़ेगा. एक्सेस कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट सिवरल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स. एक्सेस जो है वो कई तरह के ऑटोमेटिकली जो है कई तरह के फॉर्म्स को क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू क्लिक द फॉर्म बटन ऑन द क्रिएट टैब, एक्सेस प्लेसेस ऑल फील्ड्स इन द सेलेक्टेड टेबल एज अ फॉर्म. आप एग्जाम्पल के लिए, आप जब कभी भी फॉर्म बटन पर क्लिक करोगे क्रिएट टैब में से जा करके, तो एक्सेस जो है वो आपके सारे फील्ड को जो आपने किसी टेबल में सेलेक्ट किया है किसी फॉर्म को बनाने के लिए, तो वो आपको फॉर्म के रूप में दिखाएगा. लेट्स नो हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग द फॉर्म कमांड. यू कैन यूज़ द फॉर्म टूल टू क्रिएट अ फॉर्म विथ जस्ट अ क्लिक. आप जो है फॉर्म टूल को यूज़ कर सकते हो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए. सिंपली इस पर क्लिक करना होगा. व्हेन यू यूज़ दिस टूल ऑल द फील्ड्स फ्रॉम द अंडरलाइंग डेटा सोर्स आर प्लेस्ड ऑन द फॉर्म. जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे फील्ड्स जो हैं जो आपने आपके फॉर्म में आपको चाहिए, जो कुछ भी आपने टेबल में बना रखा है और जो कुछ भी आपने सेलेक्ट किया है, वो सारे फॉर्म में आपको शो करेंगे. यू कैन स्टार्ट यूजिंग द न्यू फॉर्म एज इट इज़, और यू कैन मॉडिफाई इट इन लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू टू बेटर सूट फॉर योर नीड. तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो या फिर टेबल बना करके फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो. तो चलिए जानते हैं कि कैसे बनाते हैं. यूज़ द फॉर्म टैब टूल टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म. किसी भी नए फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म टूल का यूज़ करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेविगेशन पेन क्लिक द टेबल और क्वेरी दैट कंटेन द डेटा टू बी सीन ऑन योर फॉर्म. सबसे पहले आपको नेविगेशन पेन से आपको टेबल या क्वेरी जिसमें भी आपने डेटा फीड कर रखा है उसको आप क्लिक करके सेलेक्ट करोगे फॉर्म के लिए. ऑन द क्रिएट टैब इन द फॉर्म ग्रुप क्लिक फॉर्म. तो और सेकंड स्टेप क्या है कि आपको क्रिएट टैब पे जाना होगा जो होम के जस्ट बाद है, और उसके बाद आप उसमें से फॉर्म्स ग्रुप पे जा करके फॉर्म पे क्लिक कर लोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, इन द नेविगेशन पेन यू हैव टू क्लिक ऑन द टेबल और क्वेरी इन विच यू हैव एंटर द डेटा एंड देन सेलेक्ट फॉर्म फ्रॉम द क्रिएट टैब सेलेक्ट फॉर्म एंड द फॉर्म विल बी लुक लाइक दैट. सो लेट्स चेक इट आउट थ्रू अनदर एग्जाम्पल्स. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो इन द डिज़ाइन व्यू टू क्रिएट अ टेबल. आपको टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में जाना होगा. डिज़ाइन व्यू में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको टेबल सामने ये दिखाई दे रहा है. टेबल यहाँ दिखाई दे रहा है ना. अब ये ब्लैंक है क्योंकि हमने कुछ भी इसमें फीड नहीं किया है. अब हम इसमें डेटा फीड करना शुरू करेंगे. जैसे ही आप न्यू टेबल लोगे तो इसमें आपको सेव एज का ऑप्शन आएगा जिसमें से आप अपना टेबल नेम डिफाइन कर लोगे कि आपको किस नाम के लिए टेबल जो है किस नाम से चाहिए, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दोगे. उसके बाद डिज़ाइन व्यू से हम वन बाय वन सारे फील्ड्स जो हम अपने फॉर्म में लेना चाहते हैं यहाँ पे फिट करते चले जाएंगे. जैसे कि आईडी फिट किया है हमने, आईडी ऑटो नंबर में, फिर फॉर्म, फिर कंपनी नेम टेक्स्ट, फिर उसके बाद कैंडिडेट नेम, मेमो, डेट एंड टाइम, जो कुछ भी हम अपने फॉर्म में जो भी फील्ड्स चाहते हैं वो सारा फिट कर लेंगे. उसके बाद हम यहाँ पे ये जो क्रॉस बटन दिया हुआ है यहाँ पे,
इस पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन आएगा, एक छोटा सा बॉक्स बन करके आएगा, ये बॉक्स मिलेगा हमको जिसमें लिखा हुआ है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द डिज़ाइन ऑफ टेबल टूल्स, और यहाँ से हमें ओके पर क्लिक करना होगा और उसके बाद हम यहाँ पे टेबल अपना सेव कर लेंगे। सो जो कुछ भी हमने फिट किया था टेबल के डिज़ाइन में, तो वो सारी फील्ड्स हमें दिखाई दे रही हैं। टेबल है, फॉर्म है, कंपनी नेम है, कैंडिडेट नेम, ये सारा डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, नेशनैलिटी, रीजन, डिजाइनेशन, जो कुछ भी हमने इतने सारे फील्ड बना रखे हैं, ये सारा हमारा टेबल के रूप में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमको जाना पड़ेगा क्रिएट में, क्रिएट टैब जो हमें यहाँ पे मिल रहा है होम के जस्ट बाद, उसके बाद हम क्रिएट टैब से जाएंगे ब्लैंक फॉर्म पे। ब्लैंक फॉर्म हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे राइट पेन ओपन होगी विंडो। जैसे ही हम ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे विंडो में एक ये लेफ़्ट साइड में एक पेन ओपन हो जाएगी जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी सेलेक्टेड फील्ड हम अपने फॉर्म में चाहते हैं इस पर क्लिक करते जाएंगे और ये सारा जो है अपने आप आता जाएगा। जैसे सपोज दैट मैंने इसमें क्लिक किया है कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म, फिर कैंडिडेट नेम और उसके बाद कंपनी नेम, जो कुछ भी हम सेलेक्ट करते जाएंगे ये वन बाय वन इस साइड यहाँ पे एक एक फील्ड करके शो होता रहेगा। सो इस तरह से हमने ये सारे फील्ड जो थे इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और ये सारे सेलेक्टेड फील्ड जो है वो वन बाय वन करके यहाँ पे सब हमारा आता जा रहा है फॉर्म में ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमारा जो ब्लैंक फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है और ये जो ब्लैंक फॉर्म है बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्म वन के नाम से सेव हो, मतलब हमें शो कर रहा है। वी फाउंड अ लॉट ऑफ डिज़ाइन इन फॉर्म आवर फॉर्म, हम अपने फॉर्म के लिए कई सारे डिज़ाइंस भी पा सकते हैं जिसमें हम यहाँ पे जिस तरह का आउटलुक अपने फॉर्म को देना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे और हमारे फॉर्म का डिज़ाइन जो है वो चेंज होता जाएगा। इसमें और सारी चेंजेस करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, कलर है, डेट एंड टाइम अगर सेलेक्ट करना है, जो कुछ भी हम चाहते हैं अपने फॉर्म के डिज़ाइन के लिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने फॉर्म में ला सकते हैं। अब वापस से बात करते हैं हाउ टू सेव अ फॉर्म, फॉर्म को कैसे सेव करते हैं। क्रिएट करना तो जान गए, अब सेव करना भी जानते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा सेव बटन पे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मैंने आपको बहुत बार बताया भी और आपकी बुक में आपको यहाँ पे शो भी करेगा, क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे मिलेगा आपको क्विक ऑफिस बटन के जस्ट बाद। और वहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सेव द फॉर्म अनलेस यू आर सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्सेस जो है आपके फॉर्म को सेव करेगा। इफ़ यू आर सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, आप अगर पहली बार इसको सेव करना चाहते हो तो डायलॉग बॉक्स आपके लिए सेव एज का आ जाएगा। सेव एज का डायलॉग बॉक्स सारी चीज़ों के लिए आ रहा है तो उसी तरह से सेम आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव एक्सेस, सेव एज डायलॉग बॉक्स, यहाँ से आप अपने फॉर्म के लिए कोई स्पेसिफिक नाम दे सकते हो और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना होगा और आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। और आपका जो सेव फॉर्म है वो सेव होकर के आपके नेविगेशन पेन पे जिस नाम से आपने सेव किया वो शो करेगा। यू कैन ऑल्सो सेव बाय राइट क्लिकिंग अ फॉर्म स्टैप देन सेलेक्टिंग सेव फ्रॉम द सेव मेन्यू एंड द अपियर्स। इफ़ यू आर सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, टाइप द नेम यू वॉन्ट टू गिव द फॉर्म एंड देन क्लिक ओके। आप जो है इसको राइट क्लिक करके और फॉर्म स्टैप से राइट क्लिक करके पा सकते हो और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा सेव मेन्यू से। और उसके बाद फिर आप अगर आप इसे पहली बार सेव कर रहे हो तो सेव एज का ऑप्शन, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पे अपना नाम टाइप करके और आप इसे सेव कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्रिएट अ स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म क्या होता है? अ स्प्लिट फॉर्म इज़ अ फॉर्म इन विच द सेम डेटा इज डिस्प्लेड इन टू व्यूज। स्प्लिट फॉर्म जो होता है उसमें आपका जो डेटा है आपको दो व्यू में नज़र आएगा। वन पार्ट ऑफ द फॉर्म डिस्प्ले इन द फॉर्म व्यू, पहला जो पार्ट होगा आपका वो आपको फॉर्म व्यू में दिखाई देगा और दूसरा पार्ट जिसमें कि आपके फील्ड्स और जो कुछ भी आपने डेटा शीट में डिस्प्ले किया है वो सारी चीज़ें आएंगी। द टू व्यूज़ आर सिंक्रोनाइज्ड, और दो व्यू जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। सिंक्रोनाइज्ड आपने किया होगा एमएस वर्ड में, अगर नहीं किया तो बताऊँगी फिर। सिंक्रोनाइज्ड जो है उसमें क्या होता है कि दो विंडो हमें दिखाई देते हैं अपनी स्क्रीन पे और उसमें अगर हम नीचे वाले विंडो में काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले में चेंजेस होंगे, अगर ऊपर वाले में कर रहे हैं तो नीचे वाले में, यही होता है सिंक्रोनाइजेशन। तो सो एज़ यू सेलेक्ट अ फील्ड इन वन व्यू, अगर आप किसी भी व्यू में, अगर सपोज दैट यहाँ पे नीचे हमारे ओपन है, इसमें आप देख सकते हो कि दो व्यू हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इसमें ऊपर जो है वो फॉर्म व्यू है, नीचे जो है डेटा शीट व्यू है। तो अगर हम किसी भी कोई तरह का भी चेंजेस कर रहे हैं इसमें
तो हमें यहाँ पे अगर नीचे वाले में चेंजेस कर रहे हैं तो ऊपर वाले में होगा। सपोज दैट हम यहाँ नेम इंटर कर रहे हैं तो नीचे वाले में होगा, यहाँ से कुछ चेंजेस नीचे वाले से कर रहे हैं तो ऊपर वाले में होगा। तो इस तरह से सिंक्रोनाइज हो जाएगा हमारा जो कुछ भी विंडो है, जो हमारा सिंक्रोनाइज मोड में आ जाएगा, और जो कुछ भी हम नीचे वाले विंडो में व्यू में चेंज करेंगे ऊपर वाले में चेंज होता रहेगा। इट इज़ ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड इन द अदर व्यू। यू कैन ऐड चेंज और डिलीट द डेटा इन द आइदर व्यू। किसी भी मतलब व्यू में आप जो है वो ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, या कोई भी डेटा जो है उसको डिलीट कर सकते हो। यूजिंग अ स्प्लिट फॉर्म गिव्स यू द बेनिफिट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन अ सिंगल व्यू, सिंगल फॉर्म। इस स्प्लिट फॉर्म को जो है हमें क्या करता है, कई दो तरह के बेनिफिट देता है फॉर्म्स में। हम अगर सिंगल फॉर्म मतलब किसी एक सिंगल फॉर्म को कर रहे हैं और उसमें हम दो बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ द डेटा सीट पोर्शन टू लोकेट रिकॉर्ड्स एंड द फॉर्म पोर्शन टू एडिट रिकॉर्ड्स। यानी कि डेटा सीट पोर्शन को यूज़ करके हम रिकॉर्ड्स को लोकेट कर सकते हैं, और दूसरा जो अगर हमें कोई रिकॉर्ड्स में चेंजिंग करनी है तो ऊपर वाले पोर्शन से हम उसको कर सकते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट हाउ टू क्रिएट अ स्प्लिट फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नेविगेशन पेन राइट साइड में होता है। उसके बाद क्लिक द टेबल और क्वेरी ऑन विच यू वॉन्ट टू बेस योर फॉर्म, और आपको फिर उसके बाद उस टेबल या क्वेरी पे क्लिक करना होगा जिस पे आप फॉर्म को बेस करना चाहते हो। उसके बाद एक्टिवेट द क्रिएट टैब, उसके बाद हमको क्रिएट टैब पे जाना होगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से, फॉर्म्स ग्रुप में ही मिलेगा। फॉर्म्स ग्रुप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपका जो विंडो है वो दो टू साइड मतलब दो तरह के व्यू में आपको ओपन हुआ दिखा नजर आएगा, जो यहाँ की यहाँ पे दिख रहा है। दो व्यू है, एक डेटा सीट व्यू है, एक फॉर्म व्यू है। तो इस तरह से हम जो है वो अपने फॉर्म को दो व्यू दे सकते हैं स्प्लिट करके। I have already explained how to create a form and how to split a form in a video. So you will get that video by the description list of the video. So check the description list and get the video, and don't miss the video. Please watch that. So thanks for watching. In my next video, I will explain you how to modify a form. So thanks for watching. Keep like and subscribe my channel and share with your friends also.